नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। दो हजार पच्चीस के प्रयागराज कुंभ यानी महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा। खास तौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहां का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकते हैं उनको यहां विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएँ इस पूरे आयोजन में यहाँ सहभागी बनेंगे और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है।
ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है। और 21,000 शौचालय, एक स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए की जा रही है। और इस पूरे व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने स्नान घाट की व्यवस्था भी यहाँ पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 8,000 फीट से अधिक के जो है घाट, स्पेशल घाट यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मेले की दृष्टि से। गत वर्ष की तुलना में कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की भी यहाँ पे संभावना है और उसी को ध्यान में रखकर के सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। यह एक अवसर होगा माघ मेला हमारे लिए 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसके एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए, और पूरी टीम उसी दिशा से यहाँ पर कार्य कर रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य हो या फिर यहाँ पर पार्किंग के स्पेस को, कोई भी श्रद्धालु को, कल्पवासी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था और उस प्रकार के सुविधा देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य मुख्य स्नान जो होंगे, मकर संक्रांति का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा, पौष पूर्णिमा का जो दूसरा स्नान है यह यहाँ पर 25 जनवरी को होगा और इस दिन से कल्पवास भी यहाँ पे प्रारंभ होगा। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को होगी, बसंत पंचमी 14 फरवरी को होगी, माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को और महाशिवरात्रि 8 मार्च को संपन्न हो, ये आयोजन होंगे जो मुख्य मुख्य 6 स्नान इस बार के इस पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 2 महीने का ये पूरा आयोजन चलेगा और इसके लिए पूरा शासन लग करके इस आयोजन को, श्रद्धालुओं की सुविधा और आने वाले जो कल्पवासी हैं, साधु संत हैं और अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ बेहतर तालमेल करके इसको भव्य आयोजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले बेहतरीन माघ मेले की सुविधा हम श्रद्धालुओं को दे करके प्रयागराज को स्वच्छता और भव्य कुंभ का संदेश देने में सफल होंगे।